इकट्ठी हो गई ना, अब ये भी इकट्ठी हो गई सुबह की भी और शाम की भी, और सोचा चलो हटा लेंगे, हटाने के पहले दूसरे काम आ गए तो हटा ही नहीं पाए, तो गंदगी इकट्ठी हो गई। अब जब गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो फिर क्या होता है, शरीर में भारीपन आने लगता है, नींद ठीक से नहीं आती है, भूख ठीक से नहीं लगती है, मन भी खराब खराब रहता है। इसीलिए तो आज इतने विकार, जो बाबा हमें क्या बना रहा है, निर्विकारी बना रहा है, और हम उतने और भी विकारों की ही चर्चा करते हैं क्योंकि हमारा अंदर की सफाई है नहीं। बाहर की सफाई कैसे होगी, सफाई दोनों ही चाहिए, अंदर की भी और बाहर की भी। बाहर से कितने भी सफेद वस्त्र इसकी जरूरत नहीं है, अंदर का सफेद वस्त्र वैसे होना चाहिए, लेकिन चलो बाबा ने ड्रेस मुकर्रर की वो दूसरी चीज है ना। तो अंदर की सफाई बनाने के लिए वैसे वाले हमको अपनी दिनचर्या बनानी पड़ती है। दिनचर्या और मनचर्या दोनों जब मिल जाती है तो फिर हमारा एक अच्छा व्यक्तित्व बनता है। हमारा जो शरीर है, देखा है किसी जानवर को, पंछी को, इतना मोटा, इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना वो, जब वो उड़े अगर इतना मोटा हो तो गिरी पड़ेगा, और हम तो गिरी पड़ते हैं ना चलते चलते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बोलो हमारी हालत कितनी खराब है, हमें ऐसा तो नहीं होना था, लेकिन किसने खराब किया? सबसे पहले बाबा कहता मन में विचार आते हैं, मन के अंदर ही दूषित ख्यालात आते हैं और आंखें उसमें साथ देती हैं, क्रिमिनल आई बनकर। तो हमारी बीमारी क्या है, अंदर की सफाई का बिगड़ना। अंदर की सफाई का बिगड़ना माने सेहत का घटना। अब सेहत का घटना और अंदर की सफाई का बिगड़ना, अगर ये दो बातें समझ में आ जाती हैं तो हम उसको, सफाई को बनाने की कोशिश करते हैं, सेहत उससे अपने आप बन जाती है ना, अपने आप रोग भाग जाएंगे। सेहत कम हुई, बीमारी आ गई। अब ये इस रोग का कारण अंदर की सफाई बिगड़ी, यही बताया ना, अंदर की सफाई क्यों बिगड़ी, कोई तो इसकी भी वजह होगी, क्योंकि बिना कारण के कोई चीज और बनती नहीं है। बाबा ने भी कहा तुम पांच विकारों में फंसते, रावण राज में आते भिखारी बन गए, अपने देवत्व को भूल गए, यही कहा ना। और हम भी अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार सब कुछ भूल गए, और जैसे ही भूल गए तो फिर क्या हो गया, हमारा मन खराब हुआ, और अपने खराब मन से दूसरों से मिले वो भी खराब, फिर सारे तरफ बीमारी बीमारी, अब हम बीमारी फैल गया। इसी को कहते हैं कि भगवान तो पहले कहते थे ना सर्वव्यापी, रोग सर्वव्यापी हो गए, बीमारी ये सर्वव्यापी हो गई। अब इस सर्वव्यापी का कारण क्या बना, देख देख के इसकी नकल उसकी नकल हम करते गए। अब बाबा ने आके इस नेचर क्योर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट को पकड़ा। नेचर क्योर इसमें आता है ना कि अपने को नेचर, अपने नेचर का ही क्योर कर लो, तुम्हारा नेचर ठीक हो जाए तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाओगे। बाबा ने क्या कहा, आते ही कैसे पकड़ा हमारी सबसे मुख्य पार्ट को, चिड़िया के जैसे दो विंग होते हैं ना, इसके भी दो विंग हैं, दो पार्ट हैं। पहला है, एक तो है इसमें नॉन वायलेंट कहते हैं, अहिंसा, अहिंसा, और दूसरा वाइटल इकोनॉमी। वाइटल इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं शक्ति मितवैता का सिद्धांत। अब हम ये जाने कि शक्ति क्या चीज है, शक्ति कहते हैं प्राण शक्ति को, बच्चे के जन्म के वक्त भगवान की ओर से एक शक्ति प्रदान की जाती है, बड़ा खजाना प्रदान किया जाता है, और रोज जब सोकर उठते हैं तो उसमें से आज के दिन को चलाने के लिए उस खजाने में से थोड़ी सी आज की मोहलत दी जाती है, लो आज इतना दे रहे हैं, सारे दिन का खर्चा इतना चलाना, और उतने में अगर हमने ठीक ढंग से चलाया तो रात तक आते आते वो शक्ति जो आज मिली थी वो खत्म हो जाती है, और फिर हमको नींद आती है, नींद में सोने पर फिर खजाने में से निकाल कर दी जाती है, पता नहीं चलता वो खजाना कहाँ है। उस प्राण शक्ति के खजाने को जो शिशु को मिलती है जन्म के वक्त में, हम किसी भी हालत में ना खरीद सकते हैं ना उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम बहुत खा लें, बहुत कर लें, तो उसको बढ़ नहीं सकती है, उसको केवल